Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Niazi Stitching and Painting। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट्स बोर्ड पेंटिंग। तो पहले हमने अपने डिज़ाइन पर वाइट कोट कर लिया है। अब हम फ्रूट बास्केट बना रहे हैं। तो बास्केट को बनाने के लिए पहले मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स करके लाइट कर लिया है और फिल कर दिया। फिर उस पर ब्राउन से थोड़ा थोड़ा शेडिंग डालकर उसको मिक्स करना है। अब हम ब्राउन कलर से लाइनिंग दे देंगे। फिर उस ब्राउन लाइनिंग पर वाइट कलर से डैश डैश दे देना है। और हमने बास्केट का कॉर्नर इस तरह से कर्व बनाया है। अब हमने लीफ को बना लेना है। तो लीफ को बनाने के लिए पहले हमने उसमें सैप ग्रीन कलर फिल कर दिया। अब वाइट और थोड़ा सा रेड डालकर उसको मिक्स कर देंगे। ये वाला एप्पल लीफ बनाने के लिए भी हमने पहले सैप ग्रीन कलर फिल कर देना है। फिर उस पर वाइट कलर से मिडरिब बना देना है। अब हमने ग्रेप्स लीफ को बनाने के लिए सैप ग्रीन कलर में लेमन येलो और वाइट थोड़ा थोड़ा मिक्स किया। फिर उसको फिल कर देना है। नीचे से फिल करना है, फिर ऊपर से वाइट फिल करना है और फिर मिक्स कर देना है।
ये कुछ लीव हमने डार्क ग्रीन और वाइट कलर को मिक्स करके बनाया है, तो इसका मिडरिब भी हम डार्क ग्रीन कलर से ही देंगे। और ये ग्रेप्स वाले लीफ में हम सैप ग्रीन कलर से मिडरिब बनाएंगे। ये ग्रेप्स बनाने के लिए हमने नीचे से सेप ग्रीन और वाइट कलर को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा फिल करना है, फिर ऊपर उनसे वाइट कलर ही रहने देना है और फिर मिक्स कर देना है, तो हमारा ग्रेप्स बन जाएगा। तो अब हम एप्पल बनाएंगे। तो एप्पल को बनाने के लिए हमने पहले रेड कलर फिल कर दिया। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा वाइट से शेडिंग डाल देंगे, और हमें शेडिंग तभी डालना है जब हमारा रेड कलर थोड़ा गीला हो, तभी मिक्स हो पाएगा, और फिर ऊपर से गोल्डन येलो भी डाल देना है। फिर नीचे से थोड़ा थोड़ा रेड से भी शेडिंग डाल देना है। अब हम ये वाला एप्पल बनाने के लिए गोल्डन येलो कलर इसमें फिल कर लेंगे और साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, और फिर उसमें रेड कलर फिल कर देंगे और फिर रेड से शेडिंग भी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा एप्पल रेडी है। अब इसके ऊपर में हम थोड़ा सा ब्राउन कलर से लाइनिंग डाल देंगे और उसमें शेडिंग डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि वहाँ पे कर्व लगे।
और इसमें भी ब्राउन कलर से थोड़ा थोड़ा शेडिंग डाल देना है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बोर्ड दिखाऊंगी और सारा फ्रूट बना के बताऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।